शिलाय, ये रहा तुम्हारे लिए वाटरमेलन जूस, पिटाया जूस, स्ट्रॉबेरी और हॉथॉर्न जूस। तो आज से ही हमें डॉक्टर के कहने के मुताबिक तुम्हारे डर का सामना करना होगा। ओह माय गॉड! घबराओ मत, मैं यही हूँ। तो पहले हमें क्या पीना चाहिए? वाटरमेलन जूस पीते हैं। अटियान, तुमने ये जो जूस बनाया है बहुत अच्छा है। थोड़ा और लाल पियो, ये है स्ट्रॉबेरी जूस। ये थोड़ा एसिडिक था। हॉथॉर्न जूस टेस्टी है, इसे पियो। अटियान, पेट भर गया। तुम्हें मेरा साथ देना होगा रेड फोबिया को भगाने के लिए, चलो। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा है। चलो जल्दी अपनी शर्ट उतारो। एक मिनट रुको, मेरे सामने मत उतारो। तुमने ही तो बोला था। ये शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही है। मेरे सामने उतारने के लिए नहीं बोला था, पहने ही रखो। तुम मुझे उतारने के लिए बोल रही हो या पहनने के लिए? जो मर्जी करो, चलो मैं चलती हूँ। अरे टियान! शर्ट के बटन्स लगा लो, सर्दी लग जाएगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी परफेक्ट बॉडी देखकर चौंक गई होगी। अटियान, लेट कैसे हो गई? बीमार बॉस का ख्याल रखने गई थी या उसको दवाई देकर आई हो? हाँ, ज्यादा बातें मत कर। लेकिन वो फिलहाल, मेरा मतलब वो सच में अभी बहुत बीमार है और कुछ नहीं खाता। हाँ, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाए। तू क्या डॉक्टर है जो वहाँ रह रही है? उसकी बीमारी दिमागी है जो सिर्फ डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। ऐसे शब्दों से नहीं समझा सकती, इलाज में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग क्लास के बाद मदद करना उसकी, यही तो तेरा सपना था ना, उसकी वजह से छोड़ देगी। लेकिन वो 3 महीने क्या करेगा? तुझे मिलने से पहले भी तो वो जिंदा था ना, तो अब क्या दिक्कत आ गई उसे? पहले वो बीमार था, लेकिन अब बीमारी और बढ़ गई है, इसलिए मुझ पर उसका भरोसा समझ आता है। वो क्या समझता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तू उसे चाहती है और यही सच है। वेंशियान ने 2 दिन से कॉल नहीं किया, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। लगता है गम से अब तक निकल नहीं पाई। हेलो, कोई जरूरी बात करनी है क्या? 2 दिन से फोन तुमने नहीं किया और जरा हिम्मत तो देखो, बैक फायरिंग मुझ पे कर रही हो। ठीक है, ज्यादा मत बोलो, फोन क्यों किया? इस वीकेंड चलो ना, हम साथ में स्विमिंग पर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। चुपचाप चलो, नहीं तो लियू को बता दूंगा कि तुम उसके मना करने के बाद से ब्रेकअप का गम मना रही हो। जाओ जाओ तुम भी ना।
हद है यार, इसके ब्रेकअप का हैंगओवर अब कैसे उतारा जाए। क्या कर रहे हो? मैं कल के इंप्रेशन को दूर करना चाहता हूं। किसने सोचा था कि तुम कपड़े उतार दोगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कल दरवाजे पर हुआ उसकी कर रहा हूं। क्या? ओह, लगता है तुम अब भी मेरी बॉडी के बारे में सोच रही हो। अभी दिखाता हूं। थोड़ा सीरियस हो जाओ। अटियान, तुम्हारे ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो रहा हूँ, आज काम पर जा सकता हूँ। हाँ? क्या सच में? अगर मैं काम पर नहीं पहुँचा तो टैंग डिप्रेशन में चला जाएगा और मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह मिस्टर लियू, आप वापस आ गए। मिस्टर लियू, मैं स्टूडियो में जा रही हूँ। जरा रुको अटियान, मुझे मेरे नाम से बुलाती हो तो अच्छा लगता है। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया मिस्टर लियू, मैं अच्छे से काम करूंगी। अटियान, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख जाता है, बस सबके सामने कब कहोगे उसका इंतजार है। मिस्टर लियू, मेरे पीछे आपकी और टियान के बीच कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता। मिस्टर टैंग, जो काम तुम्हें दिया है उस पर फोकस करो। मैं कह रही हूँ ये सच हो सकता है तो मेरी बात पर यकीन करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो टियान, बॉस ने कहा है जाने से पहले अपना काम पूरा कर लेना और फाइल मुझे दे जाना। समझ गई। इसे बीमारी में छोड़कर भला मैं कैसे चली जाऊं? मिस्टर टैंग, इस डेटा में गड़बड़ है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से दोबारा चेक कराओ। ठीक है सर, आप सुबह से बिजी हैं, अगर कोई जल्दी नहीं है तो तबीयत ठीक होने तक आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? मैं जल्दी काम इसलिए कर रहा हूं ताकि आज टियान के साथ डेट पर जा सकूं। मिस्टर लियू, अपना काम दिखाने आई हूं। और साथ में ये जूस भी लाई हूं। ओ नहीं मिस्टर टैंग, इन सनग्लासेस में कुछ गड़बड़ है क्या? लाल रंग देखकर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते? अटियान, क्या अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक थेरेपी है, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, समझे? ये प्यार तो बहुत महंगा पड़ रहा है। अटियान, कितनी अच्छी बात है, तुम तो मेरे लिए यहाँ ऑफिस में भी जूस लेकर आई हो। ये मैंने लंच ब्रेक में तुम्हारे लिए बनाया। सारा आज ही पीना होगा। प्यार के चक्कर में जान गंवानी ही होगी। अटियान, इतना सारा जूस मैं रोज नहीं पी सकता। ठीक होना है तो पीना होगा। ये तो पीना ही होगा। इस वीकेंड मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगी।
जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुमने लियू को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया, प्लीज छोड़ो ना। बताया कि नहीं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरा सारा मेकअप बर्बाद कर दिया तुमने। देखो जाओ जाओ, बस अब बहुत हो गया। मैं तो बस तुम्हारा दिल हल्का करना चाह रहा था। मैं उदास नहीं हूँ, ओके? और तुम मुझे इतनी अच्छी तरह भी नहीं जानते हो। देखो तुम मुझसे छोटे हो, ये बात याद रखो। ए, तुम मुझसे बस एक साल ही तो बड़ी हो। हाँ, बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। उस दिन तुमने सब सुन लिया था ना, और तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता चल गई, इसलिए अवॉइड कर रही थी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने ही लाइन क्रॉस की। मुझे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? अटियान, क्या यही जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? अटियान, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो आंखें बंद कर लो और नीचे बिल्कुल मत देखना। अब आ ही गए हैं तो मैं तुम्हारी नजरों से देखने की कोशिश करूंगा। तुम अब बहुत बदल गए हो। क्या बदला है मुझमें? अब तुम लोगों को नजदीक आने देते हो, छूना आसान हो गया है। तुमने सुना है कि अगर फेरिस व्हील के ऊपर विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है? हाँ, चलो विश मांगो। अब मुझे इस अम्यूजमेंट पार्क की असली अहमियत समझ आ रही है। क्या मतलब? जैसे चाहते हो उसे धीरे धीरे आसमान के पार ले जाओ। क्या मांगा तुमने? और क्या मांगूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ बस, ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? तुम कुछ विश क्यों नहीं मांगते? मैं विश मांगने में विश्वास नहीं रखता। मेरी जिंदगी का मोटो है, जो भी चाहिए उसके लिए लड़ना चाहिए। मेरा मानना है हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन अब मैं खोने से डरता हूं। पहले पता नहीं था तो डर से अनजान था, लेकिन अब जब से पता चला है तब से डर सताने लगा है। मेरी राय में वादा करने का मतलब खुद को यकीन दिलाना कि
जो सपने हमने देखे हैं वो पूरे होंगे। हमेशा मुझे हिम्मत देती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शायद मेरी विश बहुत सेल्फिश है, लेकिन मैं चाहता हूं अटियान हमेशा मेरे साथ रहे। क्या विश मांगी? ये एक सीक्रेट है, सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। ये गलत है, मैंने तो अपनी विश बता दी। वैसे पिछली बार रेड फोबिया कैसे गया था, कुछ याद है? शायद फिर से वैसा ही करने से तुम ठीक हो जाओ। ये मुझे फंसा रहा है क्या? लेकिन मुझे इससे दिक्कत क्यों नहीं है? माथे पे किस? सच या झूठ? मजाक मत करो। ये बिल्कुल सच है। पिछली बार तुमने माथे पर किस किया तब मैं ठीक हुआ। क्यों ना फिर से ट्राई करते हैं? ठीक है तो मैं करती हूँ। सच में बोला था ना ये काम नहीं करेगा। अटियान, शायद मेरी बीमारी इस बार ज्यादा खतरनाक है। माथे पर किस करना काफी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा काफी नहीं? तुम अगर पता होता ये इतना खूबसूरत है
तो अब तक जो भी ट्रीटमेंट किए उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन किस तो माथे पर करना था ना? सिर्फ माथे पर किस करने से ठीक नहीं हो रहा था। तो इस वाले ने काम किया क्या? अभी तो मैं नशे में हूं, मुझे तो खुद भी नहीं पता। क्यों ना एक बार और। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ट्रीटमेंट पर हम कल बात करते हैं। कितनी देर हो गई है, तू सीईओ के घर ही रुक जाती ना। क्या बात कर रही हो, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है बहन, मुझे नहीं पता तुम कहां थे, लेकिन कुछ किया कि नहीं? कुछ किया मतलब क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। रोज, आज शाम को ट्रेनिंग मटेरियल सबमिट करने की डेडलाइन है। तो क्या? तो मैंने डायरेक्टर को बोला है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ रही हूँ। तुम्हें हैरानी हुई? अगर इसकी वजह लियू है तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। रोज, क्यों? क्योंकि उसके लिए तेरी फीलिंग्स अब तेरे चेहरे पर दिखाई देती हैं। वैसे प्यार करियर जितना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि तू अब सिंगल नहीं रही तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है तेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो रोज। बिजनेस हो या प्यार, अगर फैसला तेरा है तो मैं सपोर्ट करूंगी। अटियान, कल वीकेंड है तो डिनर पर घर आ जाओ ना। ठीक है। बॉयफ्रेंड बनना कितना अच्छा है। अटियान से झूठ बोलकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो आज ही अच्छा मौका देखकर उसे सच बता दूंगा। अटियान, आज अच्छी लग रही हो, खासकर ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? बहुत देर से रुका था तुम्हारे ट्रीटमेंट का, मुझे बेसब्री से इंतजार है। पहले थोड़े फ्रूट्स काटते हैं और जूस बनाते हैं। अटियान, वैसे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो। रॉब झाड़ना इसकी आदत बन गई है। क्या हुआ, कट गया क्या? ज्यादा नहीं लगी है, मैं दवाई लेकर आता हूं। एक मिनट रुको। अटियान, मुझे ये कॉल उठाना है, बाद में फ्रूट्स काटेंगे। है? लाल देखकर बेहोश क्यों नहीं हुआ? बीमारी ठीक हो गई? बहुत बढ़िया, मेरी थेरेपी काम कर रही है। हाँ जानता हूँ, मैं बस कन्फेस करने ही वाला था, मुझे रेड फोबिया का सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, मैंने लाल रंग देखा,
और रिएक्ट नहीं किया। शायद पकड़ा गया। मैं कन्फेस, पकड़े गए? रेट फोबिया नहीं है, मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, है ना? अटियान, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताने ही वाला था, सही मौका ढूंढ रहा था। अटियान, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगे? मुझे फिक्र थी कि तुम्हें रेट फोबिया है, फिक्र थी कि चश्मा भी सेफ नहीं है और पता नहीं तुम्हें बचाने के लिए वक्त पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। और तो और, मैंने तुम्हारे लिए अपनी विदेशी ट्रेनिंग तक छोड़ दी। लेकिन अब लगता है ये किसी मजाक से कम नहीं, और मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। अटियान, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैंने ये इसलिए किया। जिस लिए भी किया, तुम्हें पता है ये ट्रेनिंग मेरे लिए कितनी मायने रखती है? तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया और मेरा दिल दुखाया। अटियान, लुओसी की वजह से जब मुझे पता चला वो इंस्ट्रक्टर है और तुम दोनों साथ में ट्रैवल करने वाले हो, तो मैं डर गया था, ठीक से सोया भी नहीं। तुम उसकी इज्जत करती हो, फिक्र होने लगी दोनों 3 महीने साथ गुजारोगे तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तो बीमारी का नाटक किया मुझसे एक बार। एलेक्सा, बंद करो। तुम अपने बुजुर्गों से पहले बूढ़ी क्यों हो रही हो? लोगों की खूबसूरती स्प्लीन से होती है। डॉक्टर सारा दिन बिजी रहते हैं ना? ये मुझे हर रोज इतने बोरिंग आर्टिकल्स क्यों भेजता है, वो भी एक ही समय पर। हेलो मिस रोज, मैंने जो आर्टिकल भेजे थे तुमने पढ़े? यू वेलकम। आई नो हम दोनों का काम कॉमन नहीं है, लेकिन हम हेल्थ रिलेटेड और दूसरी यहाँ वहाँ की बातें कर सकते हैं, नहीं? अरे यार, वही घिसी पिटी लाइनें, हद है यार।